सब्सक्राइब कीजिए टेक फन यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बीआरपी एवं सीआरसीसी के मामले में हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीआरपी एवं सीआरसीसी नियमावली 2018 को लेकर नियोजित शिक्षकों में काफी आक्रोश था, इसीलिए शिक्षक संघों ने बीआरपी एवं सीआरसीसी नियमावली 2018 को लेकर हाईकोर्ट में केस किया। इसी संबंध में हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार प्रखंड संसाधन केंद्र पर बीआरपी एवं संकुल संसाधन केंद्र पर सीआरसीसी पद पर चयन को लेकर बिहार शिक्षा परियोजना की गाइडलाइन 2017 ही मान्य होगी। शिक्षक अनुभव में नियमावली के अनुसार शर्तें लागू रहेगी। वर्तमान एवं पूर्व में इन पदों पर कार्यरत शिक्षकों को फिर से आवेदक नहीं बनाया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को आवेदक के लिए प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इस आशय का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। कुल 41 पृष्ठों के आदेश में इन पदों पर चयन के लिए 2007, 2011 एवं 2017 की नियमावली में उल्लेखित प्रावधानों की चर्चा करते हुए याचिकाकर्ताओं की सभी मांगों को खारिज कर दिया है। इस मामले में सभी याचिका को एक साथ खारिज हो जाने से वैसे शिक्षकों में निराशा है जिन्हें फिर से इन पदों पर चयन होने की उम्मीद थी। वहीं अनुभव में 5 वर्षों से कम करने की मांग को नहीं माने जाने पर भी शिक्षकों में हताशा है, जबकि नियोजित शिक्षकों में जिला संवर्ग के शिक्षकों की योग्यता के आधार पर चयन के लिए निर्धारित मानदंड में छूट नहीं मिलने से भी आक्रोश का माहौल है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी ताज़ा खबरें प्रतिदिन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।